हेलो एवरीवन, मेरा नाम मीनल है और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। क्या आप सब लोग आईआईटी जेई की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं? अगर हाँ तो आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें और मेरे हर एक पॉइंट को पहले ध्यान से समझें, उसके बाद डिसाइड करें कि आपको आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं। सबसे पहली बात तो ये कि आईआईटी जेई की तैयारी के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं और बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, तो ये तभी पॉसिबल है जब आप उसके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट हों। तो सबसे पहले तो आप ये जानें कि क्या आपका ये सपना है कि आप आईआईटी कॉलेज से पढ़ाई करें, क्या आप उसके लिए पैशनेट हैं? अगर हाँ तब तो आपको इसकी तैयारी जरूर करनी चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपके पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं या आपके फ्रेंड्स आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें देख के आपको लग रहा है कि मैं भी तैयारी करूं, वो रीजन नहीं होना चाहिए। जब तक आपके अंदर खुद में पैशन नहीं होगा तब तक इसकी तैयारी करना बहुत मुश्किल होगा। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये ध्यान रखें। सेकेंड पॉइंट ये है कि आप अपने टेंथ के रिजल्ट से डिसाइड नहीं करें कि आपको आईआईटी जेई की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपके टेंथ के मार्क्स बहुत अच्छे आए हों तभी आप आईआईटी की तैयारी करें, अगर नहीं आए हों तो आप ना करें। ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं अपने करियर में, जिसमें ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो टेंथ में बहुत अच्छा स्कोर करे लेकिन फिर भी आईआईटी जेई में सेलेक्ट नहीं हो पाए, और ऐसे भी थे जिन्होंने उतना अच्छा स्कोर नहीं किया पर फिर भी वो आईआईटी जेई में सेलेक्ट हो गए। तो यहाँ टेंथ के मार्क्स मैटर नहीं करते। मैटर क्या करता है कि नाइन्थ और टेंथ में आपने जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी उसमें आपका इंटरेस्ट कैसा था, उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी थी, क्या आपको वो पढ़ने में मजा आता था, और मैथ्स में आपकी अप्रोच कैसी थी, आपको ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आप कैसे डील करते थे, आपका वर्ड प्रॉब्लम्स करने में क्या अप्रोच था, इन सब में अगर आप कंफर्टेबल थे तो आपको आईआईटी जेई की तैयारी करनी चाहिए, ना कि अपने टेंथ के मार्क्स देख करके। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें आईआईटी जेई की प्रिपरेशन के लिए कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अगर आप अपना स्कूल आवर्स निकाल दें, मतलब जितनी देर आप स्कूल में रहते हैं वो टाइम अगर हम माइनस कर दें, तो अदर देन दैट आपको एक वीक में कम से कम 40 आवर्स यानी 40 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। अब 40 आवर्स का मतलब ऑन एन एवरेज हो जाता है एक दिन में अराउंड 6 आवर्स अदर देन स्कूल आवर्स। इसके लिए आप क्या करें, वीक का कोई भी एक दिन, फॉर एग्जांपल संडे ले लेते हैं, तो आप संडे को अपने पूरे वीक का प्लानर बना लें कि आप हर दिन उन 6 घंटों में क्या पढ़ेंगे। अपने टारगेट सेट करें कि मुझे ये टॉपिक ये चैप्टर्स इस 6 घंटे में करने हैं। अगर आप किसी रीजन से किसी पर्टिकुलर डे वो 6 घंटे का टारगेट पूरा नहीं कर पाए, सपोज आप 4 घंटे ही पढ़े, तो आपको उसे किसी दूसरे दिन उस टाइम को एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब आपको फिर 6 की जगह 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए जो आपने मिस कर दिया किसी और दिन। तो ये सिस्टमैटिक तरीका आपका होना चाहिए और इतने घंटे आपको देने ही पड़ेंगे अगर आप आईआईटी में अच्छा रिजल्ट चाहते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपको इतनी देर पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसके बाद हम ये बात समझते हैं कि आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान, सपोज आप 2 साल की तैयारी करते हो, तो आपने उस दौरान कितना सीखा, आप कहाँ स्टैंड करते हो। इसके लिए आपको एटलीस्ट महीने में 2 बार जेई पैटर्न के टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने होंगे। इसके लिए आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, या मॉक टेस्ट या सैंपल पेपर्स की जो बुक्स आती हैं वो लाकर और टाइम सेट करके उसे घर पे भी दे सकते हो। तो उसमें आप अपना परफॉर्मेंस एनालिसिस करो कि थ्रू आउट द ईयर या जो जितने भी साल आपने तैयारी की, 2 साल अगर आपने तैयारी की, तो थ्रू आउट आपका रिजल्ट कैसा रहा उन पेपर्स में। अगर आपका ज्यादातर टाइम जो आपके मार्क्स हैं वो 50% से ज्यादा आ रहे हैं ऑन एन एवरेज, तो आपके आईआईटी जेई में सिलेक्शन के चांसेस अच्छे हैं। और अगर आपके मार्क्स 60% से ज्यादा आ रहे हैं तो इस बात के बहुत चांसेस है कि आपकी रैंक विद इन 2000 होगी। तो इस तरह से अपने आप सेल्फ एनालिसिस भी आपकी प्रिपरेशन के दौरान करते रहें। एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि आईआईटी जेई को लेकर के एक मिसकंसेप्शन है कि इसमें उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होते हैं। अगर हम टॉप 500 रैंक्स छोड़ दें तो ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने अपने टीचिंग करियर में ऐसे कई सारे एवरेज स्टूडेंट्स को देखा है जो आईआईटी जेई में सेलेक्ट हुए हैं, अच्छी रैंक्स लेकर आए हैं, लेकिन उन सब में कुछ खास क्वालिटीज होती थी जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगी। पहली तो ये कि पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी करना। डेडिकेशन लेवल इतना अच्छा होना चाहिए, जैसे मैंने पिछले पॉइंट में आपसे डिस्कस किया कि आपको एक दिन में 6 आवर्स पढ़ना है, तो वो उस टाइम टेबल पे आपको स्टिक रहना चाहिए। वो डेडिकेशन बहुत जरूरी है, पहली बात तो ये।
दूसरा ये आपका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा टाइम चाहिए होता है इसकी तैयारी के लिए, एटलीस्ट 2 साल चाहिए होते हैं। तो पूरे 2 साल तक आप डिटरमाइंड रहें, क्योंकि इसकी तैयारी में कई बार ऐसा फेज भी आता है जिसमें आपको बीच में गिव अप करने का भी मन कर सकता है। कभी कभी हो सकता है आपका रिजल्ट जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा ना हो, तो ऐसे केसेस में आपको अपना डिटर्मिनेशन वीक नहीं रखना है। आपको अपना जो गोल है उसको हमेशा टारगेट करते हुए अपने डिटर्मिनेशन को स्ट्रांग रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरी खास बात ऐसे बच्चों की हमेशा से थी, वो है कॉन्फिडेंस। आप हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। ऐसा नहीं हो कि कभी रिजल्ट खराब आया किसी पेपर में तो हमारा कॉन्फिडेंस उससे कम हो जाए, या कभी हम कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हों तो उससे हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं। दोनों ही बातें गलत हैं। हम कॉन्फिडेंट रहें, ये बहुत जरूरी है। ऐसे बच्चों की एक खास बात और होती है कि वो जिन भी टीचर्स से पढ़ते हैं, जो भी उनके मेंटोर होते हैं, जिनकी गाइडेंस में वो IIT JEE की तैयारी करते हैं, उन टीचर्स की जितने भी सजेशंस हैं और उनकी बातें हैं उनको 100% फॉलो करना। वो जो भी आपको बोल रहे हैं उन्हें मानना, ये भी बहुत जरूरी है। और लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अपनी IIT JEE की प्रिपरेशन के दौरान आप एकदम चीयरफुल रहें और बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें। अगर आप सिस्टमैटिक रहेंगे तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सभी बातों को अगर आप फॉलो करेंगे और मेरी बात समझेंगे तो आपका IIT JEE करने की जो जर्नी है वो ईजी रहेगी। मेरी बेस्ट विशेज आप लोगों के साथ हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।